भाई की हुड्डी में घुसा दिया हमने। रात में मैं, मंचा दीदी और आलू भाई यहीं सोने आ गए थे, मस्त नींद आई, हाय मजा आ गया सो के। Well, what's up guys, welcome back to 365 days, 365 vlogs. I hope you all are good and happy. Good morning to you all. अभी जाके ऑलिव से मिलना है सबसे पहले। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, कैसे, कितने बजे आया हूँ? अभी तो 3 महीने का, अभी थोड़ा बड़ा हो जाए फिर इसकी दोस्ती करवाएंगे। 2 महीने 3 फिर बड़ा हो जाएगा फिर माफिया और इसकी दोस्ती कराएंगे। अभी नहीं करा रहे, खराटे मंचा दीदी ने सबसे ज्यादा लिए, सबसे ज्यादा खराटे मंचा दीदी ने लिए कल रात में। मैंने एक दिन लिए, तू रोज लेता है। मैं खराटे लेता ही नहीं, मैं बहुत शरीफ इंसान हूँ। भाई बहुत बेकार आदमी है यार। क्यों? अरे बहुत तेज तेज खराटे लेता है तो ऊपर से मित्र मुँह के इतनी पास हो रहा था तू मेरे मुँह पे भी मार रहा है। कंबल लेता पता है कैसे, अगर उधर घूमेगा ना तो इतनी कंबल सेट करूँ, कंबल लेके घूमता है, कौन सोता है ऐसे, ये कोई सेंस है? तो खुद घूम रहा है तो कंबल को भी तो घुमाना साथ में, लपेट के क्यों सोता है? दादी माँ तो परेशान रहती है मेरे से, सबसे पहले यही कह रही थी माहौल जमाएंगे रात को, है गाने सुनेंगे, सबसे पहले यही सो गई ऐसे, ये वाला कराटे ले रही थी। इनकी अलग ही वीडियो चल रही है यहाँ वहाँ, बताओ। अरे क्या चाहती हो जिंदगी से, खुश हो, खुश हो, इधर देखना। चलो यार आगे पीछे दाएं बाएं दिखा रही हूँ और कुछ कर तो रही नहीं काम। रात में ये थ्योरी करा कि वो है छोटा सा दरवाजे के पीछे, गलती से आ जाए मैं अपनी दवाई देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन इनको मैंने तो कहा अगर अगर नहीं, आप कहते हैं 70 लोग 70 बातें बोल रहे हैं, मैंने कहा था अगर दवाई काम ना करे तो नगद भाई पैसे वापस देंगे 100 रुपए। Hey, बेवकूफ बना दिया, क्या है ऑलिव में? हाँ, नीतू दीदी खाने में क्या बना रही हो? बना रही हूँ कुलचे। क्या है पिल्ला, क्या है ऑलिव? अरे रणवीर सिंह की मम्मी, अरे रणवीर सिंह की मम्मी, जूते बाहर, इसने बहुत सारा ससु किया है। अच्छा नीचे रखो इसे, तो स्टोर करना है वो कहीं, ओनली वॉल किया है वो, ऑयल इकट्ठा हो रहा है घर में, ओनली ऊपर सोया आपके? क्या इरादा? क्यों? सोया नहीं ऐसे मैंने कहा था। बेड पे सोया ही नहीं? नहीं नहीं नीचे बाद में सो गया था, फिर तो नीचे ही सोया है। नीचे नहीं सोया। मेरी कुत्ते को तेरे नीचे तो घबरा रहा था बहुत। बिल्लू छोटे बिल्लू भाई से भी छड़ गया था। एक हमें भी तो बात करने दे। अच्छा उसका भाई भी था कोई? बिल्लू बिल्लू बिल्लू, इनको कोई भी ढंग का नाम दे दो, इन लोगों ने बुलाना पिल्लू कालू यही है। अरे पापा सैटरडे को तो छोड़ दो पढ़ाई, पढ़ यार तो पढ़ता नहीं है। नहीं मम्मा क्या दिक्कत है इनको, क्रिसमस की छुट्टियां शुरू, मेरी वेकेशन शुरू, आज छुट्टी ट्यूशन की भी है सबकी, सब राज्य खुश है भाई। हमारा भाई ये हमारा डॉगी बिगाड़ देगा, ऐसे नहीं रहने देना, बिगाड़ देगा फिर तो ये इसकी रक्षा में रख जाएगा, हम तो भैया भूल जाएगा हमको ये। अहमी आप ऊपर गोदी में रखो लेकिन बेड पे नहीं रखना, गर्मी में ये ऊपर नहीं आएगा बिल्कुल भी, नीचे ही सोएगा, गर्मी में आएगा ही नहीं ऊपर, जहाँ जमीन पे छाते लगा के सोएगा। दो 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 अहमी दो अहमी दो नीचे, हमारा प्यारा डॉगी है ये, दबाना नहीं बेटा दबाना नहीं। ये क्या बात हुई, आपके पास रहेगा क्या? हम नहीं, भाई की हुड्डी में घुसा दिया हमने इसको, दो दो भाई चट्टे बट्टे इन वन फ्रेम, ये तो ऐसे ही मेरे बैठा करेगा एमी, वही बालों के कलर देखते ऐसा मिक्स हो रहा है ना, आजा ऑलिव नीचे आजा, भाई वो रात में कैसे पता चलेगा ये है कि नहीं, ये तो अंधेरे में खाया, अंधेरा कायम रहे ये तो। बुआ
अच्छा हमने भी नोटिस किया एक बात, हल्का हल्का ना नाम को रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसे हम बुला रहे ऑलिव 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 भाई जी भाई जी भाई भाई पूरी नेचुरल लाइट क्योंकि इन्हें दिखेगी इसकी शक्ल। ले भाई तू ही रख ले, तू ही रख ले, तेरा ही डॉगी है ना, हमारा तो कुछ लग ही नहीं रहा, तड़पे जा रही है, इसको गोदी में गलती से उठा लिया हमने तो। भाई एमी रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी, एमी बहुत रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी, बहुत ज्यादा। छोड़ो ना मेरे को चाहिए, यहाँ मत रखो हमारे उसमें, फिर मानती नहीं है ना ये, एक मिनट भी नहीं छोड़ रही है, एक मिनट भी मेरी वो साइड से निकलने की कोशिश करेगा, हमने भी कल इसको बचा के रखा हुआ था। हाँ भाई, हाँ भाई, छोटी नाक, हाँ भाई छोटी नाक, आंखें तो देख लो, आंखें दिखेंगी तो देखेंगे ना, मुझे दिखती हैं। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, बिल्कुल। क्या नाम है आपके डॉगी का? अभी आप नाम बोल रहे हो, बताओ एमी, अभी आए हो, टाइम भी नहीं हुआ इसको। उधर ये पीछे, इधर है, जा उधर रही है, उधर शीशे में देख रहा है वो अपने आप, वो रहा, वो देख, वो रहा। इसको ताली मार के बुलाओ, ताली मार के आता है, देखो देखो ताली को रिएक्ट कर रहा है, सो गया मेरी गोदी में ये। और एमी परेशान मत करो, सो गया, ऐसे नहीं करता है, इसको सोने दो, छेड़ना मत, छोड़ो, ये सो गया मेरे साथ, गोलू राम दिख भी नहीं रही, इसकी आंखें कहाँ हैं? ये देखो दोनों भाई बहन साथ में सोते, इसको इसके साथ ही सोना, ऑलिव के साथ, निकरा को भी नौटंकी तो ये भी पूरी पूरी फ्री थी। अभी इसके बारे में चीजें भी सीखनी, समझ नहीं हुई, हमारा तो पहला डॉग है जो हमने खुद अब हम करेंगे, वैसे माफिया रह चुका है लेकिन माफिया को नाना नानी जी ने कराया ना, पूरा पूरा ग्रोन, हमने तो बस बचपन से खेला ही है, अब पहला हमारा है तो इसको पूरा संभालना वमालना समझना। तो अभी हम इसके वेट के पास जा रहे हैं, सारी बातें वो करके पूरा पूछ के ही जा रहे हैं कि हाँ 3.5 महीने का है तो ला सकते हैं कि नहीं, उन्होंने कहा हाँ ले आओ, तभी लेके जा रहे हैं, वरना हम लेके नहीं जाते, हम घर पे बुला लेते हैं, बट उन्होंने कहा कि ले आओ, कोई दिक्कत नहीं इतने में, तभी लेके जा रहे हैं, इसको पूरा रैप करके लेके जाएंगे। लेकिन वाह बेटा तेरी भी मौज है, मम्मा के अच्छे खासे स्वेटर में जाने को मिल रहा है। चलो आते ही भाई जी की आउटिंग भी हो गई, पहली आउटिंग, मैं तो बिना नहाए जा रहा हूँ, मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी जा रहे, तो एमी भी अब रिस्पॉन्सिबल होना शुरू हो रही है वैसे धीरे धीरे, बिल्कुल दो माते दो। हम इसके लिए सेंटा वाला लाया था मैं कल, बट ना वो इसके फिट नहीं आ रहा, और थोड़ी ना वो मटेरियल भी खराब है, बाहर बाहर से एकदम ऐसे लगा अच्छा है लेकिन अंदर से बड़ा मटेरियल खराब है। चलो जी अच्छी बात है, बोलो सच्चे दरबार की जय। मम्मा मम्मा ही करती रहेगी और उसको ना ऑलिव को परेशान करती रहेगी, ये निकरा ये परेशान नहीं, एमी आप बैठ जाओ ना आराम से, उसको मत करो हाथ मत लगाओ, बताओ कान में लगाते गाने सुनते आ रही है दीदी, अरे वो दीदी आप दीदी आए राम, बेटी निम्बू, ओ बेटी निम्बू। बेस्ट पार्ट हमारे सोसाइटी के एग्जैक्टली सामने ये सब इसके डॉग्स इन सब का है ना, वेट चेक होने वाला है हमारा भाई, पता चलेगा हमारा डॉगी कितने किलो का है, एक ग्राम का है, 1.5 किलो 1.5 ना, मतलब 1.5 किलो का है, सही है। हाँ मैं ऊपर देखो वंज भैया, ये मेरे को पट्टा दिखा रही है ऊपर देखो वंज भैया करके, मम्मा क्या यार अब तो असली कुत्ता आ गया, अब तो छोड़ दो मेरे को, क्या हुआ, डर लग रहा है, क्यों डर लग रहा है, उसको इंजेक्शन क्यों लगेगा, इसको लगेंगे, अच्छा इसको डर लग रहा है तो इसको डर लगने का इंजेक्शन लगाएं, बहुत बढ़िया दीदी, बेटी निम्बू ये डॉगी के लिए हर डॉग के हिसाब से अलग अलग है, निकरा तो हमारे डॉगी को कहाँ है, अरे बेटा प्लीज ये नौबत ना, सुन सुन ये नौबत ना आ जाए कि तेरे को बिल्ली के इंजेक्शन लगवाने पड़े, प्लीज शांत हो जाओ, टेबल हो गया इसमें इसके नए कपड़े में हैं, पहला आउटफिट अब तो तेरी आंखें दिख रही है अच्छे से, अच्छा हल्के से बाल कटा लिए हमने इसके आगे से, अच्छी बात है ये, ऑलिव इसको अच्छा लगेगा, हाँ जी हाँ जी, ऑलिव सो गया भाई ये तो, वाह दीदी सबसे ज्यादा बॉन्डिंग तो आपके साथ हो गई, दीदी बैठी बैठी सो गई, बेटी निम्बू बताओ दीदी किस गम में, ये ऑलिव अपना मस्त यहाँ धूप सेक रहा है मस्त, उसको गर्मी मिल रही है और क्या चाहिए उसको, धूप नहीं सेक रहा सो रहा है, ये भी सो रहा है, दीदी भी सो रही है, अम्मी भी सो जाए फिर, पता नहीं क्या हो गया ऐसा वो, अब मम्मी पापा अभी तक वो क्लिनिक में यहाँ बाहर ही नहीं आए, जब वीडियोस में देख रहे थे तब बड़ी अलग फीलिंग थी, जब फोटोज और वीडियोस में देख रहे थे ऑलिव को, और जब रियल लाइफ में बड़ी अलग ही फीलिंग है, तब थोड़ा मतलब लगाव सा लग रहा है, ऑल तो पता नहीं मेरे एकदम से रेडनेस से पता नहीं स्किन पे क्यों होने लग गई, यहाँ ये भी फिर एक मार्क छूट गई है, पता नहीं अचानक से क्या हुआ है, दवाई नहीं लगाई एक रात तो आएगा उसका साइड इफेक्ट, मेरे को कुछ नहीं पता, देखते हैं चलो, एकदम से खत्म होते फिर एकदम से बढ़ना चालू हो जाते, पिंपल्स का भी अपना ही सीन है यार, अभी बस मैं और भाई थोड़ी देर में पिज्जा बनाएंगे, बहुत तेज भूख लग रही है हमको, इसलिए ये कोई ना बोले ये सबसे पहले बोलेगी, वेरी गुड। चलो क्या नाम है,
दोबारा बोलो ऑलिव ऑलिव बोलो इसका नाम बोलो नहीं कालू आगे ले ठीक है उसको उसको सूट करता है इसको नहीं ऑलिव 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 दादी माँ वाई आर यू बीइंग रेसिस्ट इसको आप ब्लैक ही बोल लो नहीं ब्लैक ही भी क्यों बोलो इसका नाम है ऑलिव ब्लैक ही है आलू है ये तो आलू है काले सॉरी ऑलिव अब तो मैं छोड़ाऊंगी मैं अब तो मैं छोड़ाऊंगी अगर राम तूने ऐसे बोला तो ऑलिव निकरा ऑलिव सिखाओ इसको इसकी आज कैंडीज आ जाएंगी इसको शेक हैंड स्टॉप जाम भाई हमने किस लिए पर्सनल ट्रेनर क्यों रखे हुए हमने अभी छोटा था बच्चा उसको जाम तो वो तीन महीने का है छोटा नहीं है तीन महीने का है छोटा नहीं है तीन महीने का है हम कुछ क्रंची सा पिज्जा बनाने का सोच रहे हैं ऐसे तो नहीं हो रहा तो पनीर को हम ये हमने नाचोस पीस दिए शेफ जैसा बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे भाई एंट्री लो घर में वेरी गुड एमी को घुसना है सबसे पहले उसके घर में वाह ऑलिव हटो एमी देखने तो दो इसकी जेब खोलती है ऑलिव का नया कपड़ा टोपी वो भी पहन के हाँ टोपी मास्टर टिड्डू सा ये पागल पागल हो गया पागल अरे 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 भाई ओ बच्चा 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 क्या हुआ पागल हो गया यहाँ अपना भाई सो रहा है वाह एमी घाई सो रही है तो जी हेलो बाय बाय मतलब हेलो जी हेलो माफ माफ तेरे को नहीं भूले भाई हम तेरे को नहीं भूल सकते हम भाई तू तो हमारा पहला भाई है पहला स्ट्रेचिंग आज का दिन पता भी नहीं चला कैसे खत्म होगा वैसे भी सैटरडे था तो रिचुअल के साथ कम व्लॉग किया मेरे को नहीं पता कितना बड़ा व्लॉग बना 10 मिनट से ज्यादा बना या कम बना बट जितना भी बना है आई होप इनफ हो एंड आज का व्लॉग भी यहीं रैप अप करते हैं ऑलिव उधर सो रहा है तो मेरे को तो एंट्री नहीं मिलेगी उधर इसलिए मैं उधर जाके एंड नहीं कर रहा हूँ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज व्लॉग अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके जाना अगर मन करे तो वी बॉय के वंश साइनिंग ऑफ एंड कल का व्लॉग आते देख लेना जल्दी क्यों कर रहा है तू एडिटिंग कर दूंगा ना 10:30 हो गए और हमें पता भी नहीं चला 10:30 हो गए गाइस हमने आधा दिन पीएस खेला है बाकी पिज्जा बनाया कुछ भी नहीं किया हमने बाय गाइस टेक केयर कल से मिलते हैं बहुत ही बड़े व्लॉग के साथ गुड नाइट नेवर ग्रेट वन ओए ओए पलट गया अरे गिर गया